السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم डॉक्टर क्या हुआ मेरे पापा को वो ठीक तो है ना मिन्हा और नसरीन बेगम जो सिटी हॉस्पिटल में आईसीयू के बाहर चक्कर लगा रही थी डॉक्टर के बाहर आते ही फौरन से बोली रिलैक्स वो बिल्कुल ठीक हैं और ख़तरे से बाहर हैं थैंक्स डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया नसरीन बेगम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया पर इन्हें हुआ क्या था डॉक्टर इन्हें हार्ट अटैक हुआ था इन्हें मिन्हा की आंखों से आंसू निकलने लगे थे रिलैक्स अब वो बिल्कुल ठीक हैं शायद कोई टेंशन ली है इन्होंने इसी वजह से बस आप ख्याल रखिएगा कि आगे से इन्हें कोई टेंशन ना हो बस खुश रखिएगा इन्हें क्योंकि ये पहला हार्ट अटैक था पर आगे से अगर इन्होंने कोई टेंशन ली तो इनकी जान को ख़तरा हो सकता है हम मिल सकते हैं इनसे नसरीन बेगम रोते हुए बोली अभी वो बेहोश हैं थोड़ी देर बाद मिल लीजिएगा ओके थैंक्स डॉक्टर मामा प्लीज़ आप जहाँ बैठिए ना मिन्हा ने नसरीन बेगम को चेयर पर बिठाया जो रो रो के हलकान हो रही थी मामा पापा ठीक हैं रिलैक्स रोना बंद करें ना प्लीज़ वह इन्हें गले लगाते हुए बोली मिन्हा तुम्हारे पापा तो बहुत खुश और पुरसकून रहने वाले इंसान हैं तो अचानक से ऐसा क्या हुआ इन्हें जो इनकी ये हालत हो गई है कहीं तुमने तो शादी के मुतालिक कुछ नहीं कहा नहीं मम्मा मेरे बात करने से पहले ही किसी का फ़ोन आया था पता नहीं किस का फ़ोन था पापा सुन के बहुत परेशान हो गए थे शायद बिजनेस से रिलेटिव कॉल थी और इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी पर किसकी कॉल वो तो पता नहीं इनका मोबाइल भी घर पर रह गया है तुम हैदर भाई को फ़ोन कर दो ओके मम्मा पापा कैसी तबीयत है आपकी अब क्या हुआ था ऐसा जो आपने इतनी टेंशन ले ली वही साहब की होश में आते ही दोनों रोती हुई इनका हाल पूछने लगी मैं ठीक हूँ चुप हो जाइए आप लोग रोना बंद करें वो मिन्हा को आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली पर हुआ क्या था पापा किसकी कॉल सुन के आप इतना परेशान हो गए थे वो इनका हाथ चूमती हुई बोली इमरान की कॉल थी कह रहा था कि मेरे जो पार्टनर्स हैं वो मुझे छोड़ के मैं एक ग्रुप ऑफ कंपनीज चले गए हैं व्हाट मिन्हा के मुंह से निकला पर क्यों नसरीन बेगम बोली लास्ट टाइम इनका सबसे बड़ा टेंडर हमें मिल गया था जिसकी वजह से वो हमारे दुश्मन हो गए थे शायद इसी का बदला लेने के लिए इन्होंने हमारे पार्टनर्स को ज़्यादा परसेंटेज का लालच देकर इन्हें अपनी साइड पर कर लिया वो अपने माथे पर टेंशन से हाथ फेरते हुए बोले पर पापा आपके पार्टनर तो वहीद अंकल है ना जी बेटा इनके अलावा भी थे जो अब दूसरी साइड हो गए हैं अगर ऐसा ही रहा तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं होगा हैदर साहेब और नसरीन बेगम आए थे साथ में फाद भी था अस्सलाम वालेकुम भाई साहेब बाबी नसरीन बेगम ने इन्हें सलाम किया मिन्हा ने भी बारी बारी तीनों को सलाम किया और अपने आंसू पूछने लगी आपको किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे और इनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले क्या आप अब भी मेरी बेटी को कैसी बातें कर रहे हैं आप हम अपनी बात से नहीं फिर सकते मिन्हा की शादी रयान से ज़रूर हो के ही रहेगी और अब तो हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं और रही बात कंपनी की तो वो हम दोनों मिलकर हैंडल कर लेंगे क्या ज़रूरत थी इतनी टेंशन लेने की कि ख़ुद भी परेशान हुए और हमारी भाभी और बहू को भी परेशान किया मिन्हा अपने पापा के चेहरे पर खुशी देख रही थी वो भी मुस्कराते हुए इन्हें देख रहे थे अंकल गेट वेलसोन फाद इनके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला जबकि अंदर से परेशान था रयान क्या कर लेगा शादी मिन्हा के साथ हैदर अंकल बोले हम 15 दिन में ही शादी करना चाहते हैं हैदर साहब की बात पर सब हैरान हुए नसरीन बेगम ने मिन्हा की तरफ देखा इन्हें मिन्हा की कही हुई बातें याद आई थी अरे इतनी जल्दी कैसे तैयारियां होगी अरे भाभी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है हम वैसे भी जहेज के सख्त खिलाफ़ हैं मिन्हा हमारी अकलौती बेटी है हैदर साहब सुना है हम इसकी शादी इसी तरह करेंगे जैसे डज रो करती हैं
और अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। हैदर साहब बोले, जी जी ज़रूर, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। अरे बेटी की शादी का सुन के तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। इन दोनों का कहका गूंजा, मिन्हा ने अपने आंसुओं को पिया था। इसी हफ्ते मंगनी है और 15 दिन में शादी। जी जी जैसे आपकी ख्वाहिश हो। मिन्हा की का सब्र का घूंट मिन्हा पी रही थी और नसरीन बेगम की नज़रें इस पर थी, क्या हो गया है, क्यों काल नहीं उठा रहा। एहतशाम रेयान को हिलाते हुए बोला, जो मुंह पर हाथ रखे लेटा हुआ था, बोलना अब ऐसा क्या हुआ है। खिजर ने इसका हाथ मुंह पर से हटाया तो इसने खिजर को गुस्से से भरी लाल आंखों से देखा। यार बता तो सही, हुआ क्या है। दानिश बोला, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। व्हाट, कब, किससे। तीनों के मुंह से एक साथ निकला। आगे सुनोगे तो असली झटका लगेगा। वो खड़ा होता हुआ बोला, क्या, कैसा झटका। पता है किससे तय की है, मेरी शादी इस मेरी दुश्मन मिन्हा से। क्या जी, हाँ, पर यार इसे कैसे, क्या मतलब, आपके पापा इसे कैसे जानते थे, वो क्या क्या कहना चाह रहे। तो खिजर परेशान होता हुआ बोला, वो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर हैं, रेयान ने जवाब दिया, और इनके दोस्त वही साहब की बेटी है। वो झटके से बैठता हुआ बोला, अरे वाह क्या किस्मत है। दानिश रेयान के बराबर में बैठता हुआ बोला, यार ये सब छोड़ो, ये बताओ इसका क्या हल है। मैं इसे शादी नहीं कर सकता, मैं मुझको पसंद करता हूँ, तुम लोग तो जानते हो ना। वो दोनों हाथ सर पर रख कर बैठा था। तो पापा से बात की है, दानिश इसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, हाँ बात की थी, पर वो मेरी एक सुनने को तैयार नहीं है। वो फात भाई की वजह से मेरे साथ ये कर रहे हैं। अभी तो मैंने इन्हें ये भी नहीं बताया कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। इन्होंने साफ कह दिया है कि तुम्हारी शादी बस मिन्हा से ही होगी। तो क्या तू करेगा शादी, क्या कर लेगा शादी। एहतशाम बोला, वही तो समझ नहीं आ रहा, शादी वो भी इस मिन्हा से। यार वो गुस्से से आंखें मीच कर बोला, तो बात करना यार पापा से, इन्हें समझा यार, बताना इन्हें। वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, कैसे बताऊं। इन्होंने साफ कह दिया है कि ये इनका आखिरी फैसला है, तो घर कुछ टाइम के लिए छोड़ देना, खुद मान जाएंगे। खिजर इसके सामने आकर बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता यार, लास्ट टाइम जब भाई ने घर छोड़ने की बात की थी तो मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं ये नहीं कर सकता, इनकी जान का रिस्क नहीं ले सकता। रेयान फोन बजा है तुम्हारा। तो सब खामोश हुए। जी भाई बोलें। इसने अपनी लाल आंखों को मसलते हुए फ़ोन उठाया, रेयान हम हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल में, पर क्यों। वो परेशान होता हुआ बोला, वहीद अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। और अब कैसे हैं वहीद अंकल। ठीक हैं, कल तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। अच्छा एक और बात बतानी है तुम्हें। जी बताइए। वो अपना माता मसलते हुए बोला, पापा ने 15 दिन बाद तुम्हारी शादी तय कर दी है। ओ व्हाट, इन्होंने एक और बम फोड़ा। इन तीनों ने भी रेयान की तरफ देखा, इतनी जल्दी पर क्यों। रेयान अब कहीं ज़्यादा परेशान हुआ, अंकल की तबीयत ख़राब थी इसी वजह से इसने इन्हें बिजनेस की पूरी बात बताई, तो इसमें शादी जल्दी रखने की क्या ज़रूरत थी। वो चीखा, यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहा है, आप ही के किए हुए की सज़ा मिल रही है मुझे और आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। रेयान ने फात पर गुस्सा उतारा, यार पापा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, बस करें भाई एक और बात। इससे पहले रेयान फ़ोन बंद करता वो बोला, अब क्या है। वो गुस्से से बोला, इसी हफ्ते मंगनी है। क्या। वो फिर से चीखा, हाँ भाई ये रेयान मुझे पापा बुला रहे हैं, बाद में बात करता हूँ। इससे पहले रेयान इसे और सुनाता, इसने फ़ोन बंद कर दिया, पर भाई इसने गुस्से से फ़ोन की तरफ देखा और इसे बेड पर फेंक दिया। अब क्या हुआ। दानिश और एहतशाम इसके तसव्वुरात और तासुरात को देखकर बोले, रेयान ने इन्हें सारी बात बताई, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। खिजर की बात पर तीनों ने इसे देखा, क्या मतलब है तेरा, यार तूने ही तो बताया कि पापा मानने को तैयार नहीं और घर तू छोड़ नहीं सकता, तो शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। कह तो तू सही रहा है, दानिश बोला था।
देख रिलैक्स होकर पूरी बात सुन मेरी। वो रेयान के तयवर देख कर बोला, देख तुम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ ना, रेयान मुंह बना के बोला, बल्कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हो, एक मिनट में 10 बार झगड़े करते हो, और तू जितने थप्पड़ इस लड़की से खा चुका है, इतने थप्पड़ तुझे किसी ने आज तक नहीं मारे। इसकी बात पर रेयान ने इसे घूरा तो एहतशाम और दानिश ने अपनी हंसी दबाई, पूरी बात तो सुन। वो इसे घूरता पाकर बोला, देख सीधी बात यह है कि तुम दोनों साथ ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते, एक मिनट में 10 लड़ाइयाँ होती हैं तुम्हारी, तो शादी के बाद भी होंगी, तो शादी के थोड़े टाइम बाद ही तलाक दे देना इसे, ये कहकर कि तुम दोनों की कभी नहीं बन सकती और तुम लोग साथ नहीं रह सकते, सिंपल। रेयान कुछ देर तक सोचता रहा और मुश्क वो इसकी आंखों में देखकर बोला, तो इसे भी यही बात समझा दे जो मैं तुझसे कह रहा हूँ, तो बहुत जल्द मिन्हा को तलाक देकर इससे शादी कर लेगा, या वो समझेगी ये बात? ज़रूर समझेगी यार। इसने रेयान के कंधे पर हाथ रखा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही इससे बात करने की, हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना यार, इससे पहले इसे कहीं और से पता चले और बात बिगड़ जाए, तू इसे समझा दे हम। ओके। 2 दिन बाद हैदर साहब को अगले ही दिन डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो तो इतने खुश थे कि जैसे इन्हें कुछ हुआ ही नहीं, वो बहुत खुश थे, खुशी खुशी मंगनी की तैयारियां कर रहे थे जो कि 2 दिन बाद थी। मिन्हा, क्या तुम ये शादी करोगी? मिन्हा की मम्मा बोली। मिन्हा ने इनके सीने से सर उठाकर इनकी तरफ एक नज़र देखा और फिर से इसी तरह रख लिया। अब इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। वो इसके आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं मम्मा, आप पापा से कोई बात नहीं करेंगी। वो फौरन से सीधे होकर बोली, पर क्यों, तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो फिर क्यों मना कर रही हो? मम्मा, आपने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा था, कि इन्हें कोई भी टेंशन ना नहीं होने देनी, और पापा तो इतने खुश हैं, मैं इनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। वो सिसकते हुए बोली, तो क्या तुम ये शादी करोगी? इन्होंने इसकी आंखों में देखकर पूछा। जी मम्मा, मैं ये शादी करूंगी और इसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगी, सिर्फ अपने पापा की खुशी के लिए। अल्लाह तुम जैसी औलाद सबको दे। इन्होंने इसे गले से लगाया तो वो सिसकने लगी। दोस्तों, नाज़रीन, ये नावल अभी तक जारी है। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, ये नावल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वाला एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड किया जाए, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय और अपने तासुरात का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। नेक्स्ट वाला एपिसोड आपकी राय और आपके कमेंट्स पर मुनासिर है। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जितना ज़्यादा आप कमेंट्स में अच्छी अच्छी आरा का इजहार करेंगे, उतना जल्दी नेक्स्ट वाला पार्ट जो है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस नावल से हमें सबक ये मिलता है कि पेरेंट्स यानी वालदेन को बच्चों की शादियां करने से उनका पॉइंट ऑफ व्यू यानी उनकी राय मालूम कर लेना ये ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पेरेंट्स यानी वालदेन खुद भी तकलीफ़ और शर्मिंदगी का शिकार हों और बच्चों की ज़िंदगी भी अजीरन हो जाए, क्योंकि ये हक बच्चों को, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, शरीयत ने दिया है। बच्ची और बच्चे की, बालिग बच्ची और बच्चे की जब तक रह और खुशी ना हो, वो जब तक रजामंद ना हो, तो आप उसका किसी जगह निकाह नहीं कर सकते। तो इसलिए आज के माशरे में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकतान है, ख़ास तौर पर बच्चियों के मामले में। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उनका हक है, हमें हक नहीं उनसे छीनना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।